गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ अनिल सिंह, योर मैथ टीचर। एंड आज मैं आपको NDA और CDS के लिए 3D ज्योमेट्री की स्टार्टिंग करने वाला हूँ। और ये जो टॉपिक है, ये NDA एंड CDS में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, सभी के लिए, जितने भी एग्जाम्स हैं NDA CDS के लेवल में और IIT JEE के लेवल में भी, सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से ही आता है। अच्छा, इसका सिलेबस भी अगर देखा जाए तो काफ़ी लॉन्ग सिलेबस है और जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं इसमें। कॉन्सेप्ट इसके ज़्यादा तो हैं लेकिन कॉन्सेप्चुअल हैं। अगर आप देखेंगे इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैंने आपको बताया होगा कि जो भी चीज़ें वहाँ पर हैं उनका एक फिक्स दायरा है, फिक्स उनकी लिमिट है, उससे आगे नहीं जाता है ना। 2D की बात हो रही है। 2D में क्या होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कि बहुत बड़े कॉन्सेप्ट्स नहीं है, लेकिन 3D ज्योमेट्री में वाकई बहुत बड़े कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट यहाँ पर थोड़ा सा सेंस पर आधारित है, आपका थोड़ा सा कॉमन सेंस और विजुलाइज करने की थोड़ा सा क्वालिटी आपके अंदर होना चाहिए। तो इस टॉपिक को पढ़ने के लिए क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जिन चीज़ों की हमें नीड पड़ेगी। पहला तो हमारा विजुअलाइजेशन सही हो, उसके बाद थोड़ा सा इमेजिन करना हमें आना चाहिए। इमेजिन करना आना चाहिए, अगर आप इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को तो थोड़ा सा कम समझ में आएगा। जैसे कि 2D जो ज्योमेट्री थी उसमें मैंने आपको बताया होगा कार्टेशियन प्लेन, और उसमें कार्टेशियन प्लेन में क्या हुआ करता था, एक्स एंड वाई। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या होगा कि केवल यहाँ पर x और y नहीं होता, x और y जो होगा वो तो केवल 2D फिगर है, या कह सकते हैं प्लेन पर आधारित है, या कह सकते हैं जो x और y है ये रेक्टेंगुलर कार्टेशियन प्लेन, इसको बोला जाता था रेक्टेंगुलर कार्टेशियन प्लेन, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन प्लेन। अच्छा, इसी कार्टेशियन प्लेन की बात अब मैं 3D में करूंगा, है ना, कार्टेशियन प्लेन इन 3D ज्योमेट्री, या कह सकते हैं इन 3D। तो ये जो है फिगर, ये 3D में किस तरीके से अप्लाई होगा उसकी बात करेंगे। अच्छा, एक चीज और ध्यान दें, जैसे मैंने आपको बताया कि इस टॉपिक को पढ़ने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो मैंने आपको बताया कि विजुअलाइजेशन आपको थोड़ा सही हो, उसके बाद इमेजिन करने की थोड़ा सा पावर स्टूडेंट के अंदर होनी चाहिए, किसी भी इंसान के अंदर जो इस टॉपिक को पढ़ रहा है। इसके अलावा आपको थोड़ा सा वेक्टर्स का आइडिया होना चाहिए, है ना। अगर वेक्टर के बारे में आपको आइडिया नहीं है तो थोड़ा सा दिक्कत आएगी। तो आपको डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन एंड वेक्टर्स का भी आइडिया होना चाहिए, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है इसके ये कहीं ना कहीं वेक्टर पर बेस्ड है, तो थोड़ा सा वेक्टर के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। I J K ये सारे आपको चीज़ें पता होनी चाहिए कि ये क्या होती हैं, है ना, I Cap J Cap, ये सारी चीज़ें इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। तो खैर, टॉपिक तो हम लोगों का 3D ज्योमेट्री है, तो हम सीधी बात इसी पर करेंगे, है ना, I Cap J Cap पर बात करेंगे। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको इतना थोड़ा सा बहुत बेसिक इसका पता होगा। अच्छा, एक बात और, इसमें इस टॉपिक में बहुत सारी चीज़ें 2D ज्योमेट्री से संबंधित मिलेंगी आपको। अगर इस टॉपिक को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको कई सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी कि आपको ऐसा लगेगा कि यार ऐसा ही कुछ तो हमने 2D में भी पढ़ा है। हाँ, थोड़ा बहुत चेंज उसमें दिखाई देगा, थोड़ा बहुत चेंज आपको दिखाई देगा,
बहुत सारी ऐसी चीज़ें, जैसे सेक्शन फार्मूला हो गया, हमने वहाँ पे भी पढ़ा, यहाँ पे भी पढ़ा, है ना। क्या क्या चीज़ें हमने 2D और 3D में दोनों में पढ़ी, दोनों में हमें पढ़नी है वो देखिए। जैसे मान लीजिए मिड पॉइंट निकालना, 2D और 3D में ऑलमोस्ट एक जैसा मिलेगा, ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा बहुत है। सेक्शन फार्मूला भी लगभग एक जैसा मिलेगा, उसके बाद डिस्टेंस फार्मूला भी लगभग एक जैसा मिलेगा। एक जैसे का मतलब है कि उसका जो स्ट्रक्चर है वो एक जैसा होगा, मतलब याद रखने में आसानी होगी, ठीक है ना। मेरे कहने का मतलब ये, याद रखने में आसानी होगी। उसके बाद सेंट्रोइड, सेंट्रोइड निकालना है ना, उसके बाद ट्रायंगल के वर्टेक्स निकालना, तो ये सारी चीज़ें आपको ऑलमोस्ट एक जैसे मिलेंगी, ठीक। तो चलिए बात करते हैं इसके आगे, आप इतना देखिए जो भी मैंने लिखाया हुआ है, और फिर मैं इसके आगे अगले पॉइंट पर आऊँगा और वहाँ पे बात करेंगे हम लोग कि आखिर कार्टेशियन प्लेन 3D फिगर में अगर है तो ये किस तरीके से हमें विजुलाइज करना है, ठीक है। ठीक, चलिए देखते हैं, ठीक है, बात करते हैं इसके आगे। देखिए मैं बात कर रहा हूं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इन 3D ज्योमेट्री, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इन 3D ज्योमेट्री। ये फिगर आप देख रहे होंगे, ये एक तरह से देखा जाए तो 3D फिगर को 2D में कन्वर्ट करके बनाया गया है ना। 3D फिगर को 2D में
कन्वर्ट करके बनाया गया है। ठीक है, अब आप ये देखिए इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाली जो डायरेक्शन है, देखिए ये तो ये वाली डायरेक्शन हो गई एक्स डायरेक्शन, ये डायरेक्शन हो गई एक्स, कौन सी हो गई एक्स, है ना, ये वाई डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, ये जेड डायरेक्शन है, ये जेड डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, ये एक्स डायरेक्शन है। ठीक है, इस टाइप से मैंने ले लिया। अब अगर मैं बात करूं, आप देख रहे होंगे कि ये एक 3D फिगर है और 3D को 2D में कन्वर्ट करके बनाया गया है। अच्छा, अगर मैं बात करूं एक पॉइंट में ले लेता हूं P, कोई भी पॉइंट आप ले लीजिए P, कोई भी पॉइंट आप P ले सकते हैं। यहां पे मान लीजिए मैंने एक पॉइंट ले लिया P, ये P पॉइंट, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे अगर देखा जाए तो आप बताइए इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए मुझे क्या रास्ता है जो मैं इस पॉइंट तक पहुंच सकता हूं। तो आप सबसे पहले बताइए मुझे, अगर मुझे इस पॉइंट तक आना है तो मैं किस रास्ते से आऊं। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक्स चलूंगा, फिर देखिए वाई चलूंगा, फिर जेड चलूंगा। तो मुझे पहले एक्स चलना है, फिर वाई चलना है, फिर जेड चलना है। तो इसके जो कोऑर्डिनेट हो गए ये कितने हो गए, मान लीजिए x1, y1 और z1 है, तो ये x1, y1 और ये z1, तो इसके जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, x1, y1 और z1। तो हमें ये देखना होगा कि जैसे मैंने आपको 2D फिगर में बताया था, है ना, 2D फिगर में जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं, x1, y1 ऐसे होते हैं क्योंकि ये x और y में ही केवल ट्रेवल कर सकता है, है ना, एक्स और वाई दो ही डायरेक्शन है यहाँ पर, यहाँ पे 3 डायरेक्शंस होती हैं। ठीक है, तो ये ध्यान देना होगा हमें कि यहाँ पे केवल एक्स वाई नहीं होता, यहाँ पे एक्स वाई और जेड भी होता है। क्लियर, ये बात ध्यान देनी है। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा प्लेन के बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए, प्लेन के बारे में भी आइडिया होना चाहिए। तो देखिए प्लेन, ये वाला जो प्लेन है नीचे वाला, इसमें क्या क्या है, देखिए ये तो x है और ये z है, तो इसको बोलेंगे जेड एक्स प्लेन, एक्स जेड प्लेन, ये भी एक्स जेड प्लेन है। ये वाला देखिए क्या है, ये z और ये y, ये z और ये y, तो ये वाई जेड प्लेन हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, वाई जेड प्लेन हो जाएगा। अच्छा, ये जो सामने और इसके पीछे वाला है, ये सामने वाले में आप देखिए एक्स और ये वाई, तो ये एक्स वाई प्लेन है, और इसके जो पीछे है ये वाला, ये भी एक्स वाई प्लेन है। तो इसके अगर प्लेन्स की बात करें हम, तो प्लेन्स का भी आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि अगर मैं एक्स वाई प्लेन की बात कर रहा हूँ तो वो कौन सा प्लेन होगा, वाई जेड की बात कर रहा हूँ तो वो कौन सा प्लेन होगा। तो आपको थोड़ा सा, प्लेन का मतलब है सरफेस, है ना, यह कह सकते हैं फेसेस। यहाँ पे फेसेस कितने होंगे, 6, ये मैंने कल आपको डिटेल बताया, कल मैंने आपको सभी जितने भी 2D और 3D फिगर्स थे वो मैंने सारे आपको बता दिए थे, है ना। 3D का एक इंट्रोडक्शन टाइप का दे दिया था कि 3D जो फिगर्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, है ना, उन्हीं में से कुछ फिगर्स हैं जिन पे क्वेश्चंस बनते हैं। तो मैंने आपको केवल ये बताया था पिछली क्लास में कि आप पहले ये देख लीजिए कि इतने सारे 3D फिगर्स हैं और सभी पर थोड़ा सा मैंने आपको उसके फिगर्स को और कुछ बेसिक चीज़ों को बताया था, है ना, सभी को लेकर, ये ध्यान देना। तो फाइनली ये चीज़ आप देख लीजिए, कोई डाउट है तो देखिएगा और बढ़ते हैं इसके आगे।
चलिए, आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी, और अब मैं इसके आगे डिस्कस करता हूँ। ठीक है ना, बात करते हैं इसके आगे। सबसे पहले एक चीज देखिए, अगर मैं बात करूं डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि डिस्टेंस फॉर्मूला जो 2D में होता है ऑलमोस्ट वैसा ही यहां पर भी होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन यहां पे डायरेक्शन भी मैटर करती है ना, यहाँ पे डायरेक्शन भी मैटर करती है। तो थोड़ा सा ये देख लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि कोई ये दो पॉइंट है ए और बी, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2 है, x1 y1 z1 x2 y2 z2, और मुझे इसका डिस्टेंस फॉर्मूला बताना है। तो देखिए जैसे हमने 2D में पढ़ा था x2 माइनस x1 समथिंग, इसी टाइप से इसमें भी होगा, तो हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर i कैप इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन मैटर करती है ना, तो वो जो i कैप j कैप है ये केवल डायरेक्शन बताता है, क्लियर, तो इसलिए मैं इसको साथ में लेके चल रहा हूँ प्लस, ठीक है, मैं निकाल रहा हूँ AB है, उसके बाद y1 माइनस y2 का स्क्वायर j कैप प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर और ये k कैप। अच्छा, अगर मैं बात करूं AB की, AB फाइनली कितना आ गया, तो आप देख सकते हैं कि यहां पे अगर मैं डायरेक्ट लिख देता हूं तो मैं इसको डायरेक्ट इस तरह से लिख सकता हूं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये फॉर्मूला कोई आपके लिए नया नहीं है, ठीक है, ये बिल्कुल डायरेक्टली सिमिलर है किसके, सिमिलर टू 2D डिस्टेंस फॉर्मूला, सिमिलर टू डिस्टेंस फॉर्मूला। चलिए बात करते हैं इसके आगे।
ध्यान से देखते रहिए, ये जो भी पॉइंट्स मैं लिखा रहा हूँ, ठीक है, ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। लिख लेता हूँ फिर मैं आपको समझाता हूँ कि मैंने क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना। पूरा फिगर बनाने के बाद मैं आपको समझाऊंगा कि मैं ये जो लिखा रहा हूँ ये क्या है। देखिए ये जो फिगर आपके सामने बना हुआ है ना, इसकी बात कर लेते हैं जरा। ये जो भी फिगर आपके सामने बना हुआ है इसकी बात करते हैं, क्या है ये? 3D फिगर है ये तो समझते हैं आप, है ना। अब मैं आपको यहां पे बताना चाह रहा हूं कि देखिए ये वाई डायरेक्शन, ये एक्स डायरेक्शन और ये जेड डायरेक्शन। तो ये जो x, y और z डायरेक्शन है इसी को हम लोग i कैप, j कैप और k कैप लिखते हैं, है ना। इसी को हम लोग i कैप, j कैप और इस डायरेक्शन को दिखाने के लिए केवल लिखा जाता है, i कैप, j कैप और k कैप। तो ये तो मैं बता चुका हूँ। अच्छा, उसके बाद देखिए क्या है। अगर देखा जाए ये जो तीन पॉइंट्स मैंने लिए, एक पॉइंट मैंने यहाँ पे लिया बी, यहाँ लिया ए और यहाँ पे लिया सी। एक पॉइंट है एक्स डायरेक्शन में, एक पॉइंट है वाई डायरेक्शन में और तीसरा जो पॉइंट है वो है जेड डायरेक्शन में। अच्छा, अगर बात की जाए इस पॉइंट की, तो देखिए ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये एक ऐसी पोजीशन पर है जहां पे एक्स, वाई और जेड तीनों कुछ ना कुछ यहां पे वैल्यू देंगे। यहां पे इसीलिए एक्स वन, वाई वन और जेड वन लिखा गया है। इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए मैंने क्या किया होगा, देखिए पहले मैं एक्स चला, फिर y चला, फिर z चला। तो ये जो z में ट्रैवल हुआ ना, ये जो z में ट्रैवल हुआ इसी को बोला जाता है क्या, z डायरेक्शन। ये कह सकते हैं कि जो एक तरह से ये पॉइंट हवा में ऊपर की तरफ बना हुआ है ना, तो ऊपर की तरफ अगर आना है तो हम z डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, है ना। तो ये पॉइंट बोर्ड नहीं होगा, ये पॉइंट एक्चुअली में यहाँ होगा ऐसे, क्लियर। ये पॉइंट, ये जो लाइन ऐसे है ये सामने होगी इस तरह से, क्लियर। वैसे देखिए ये लाइन जो इस तरह है, ये लाइन एक्चुअली में कैसी रही होगी, ऐसे रही होगी, क्लियर। अब अगर ये लाइन ऐसे है तो जरा ध्यान से देखिए इस फिगर को, थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा कैसे मैंने बनाया। अगर मैं बात करूं इस वाले एंगल की, तो देखिए ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। अगर मैं पी को ए से मिला दूं तो ये एंगल कितना बनाएगा, 90 डिग्री। वैसे ये एंगल भी कितना होगा, 90 डिग्री। अब आपको ये समझना है कि ये एंगल 90 डिग्री कैसे हो गया। तो आप ये सोच के देखिए, थोड़ा सा मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि यू हैव टू नो अबाउट विजुलाइज द थिंग्स। अगर आप ये नहीं जानते हैं कि थिंग्स को, या कह सकते हैं क्वेश्चंस को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कैसे विजुलाइज किया जाए, तो आप नहीं समझ पाएंगे कि ये जो पॉइंट्स हैं ये कैसे आ रहे हैं और ये जो 90 एंगल्स हैं ये कैसे आ रहे हैं। तो ये जो पॉइंट है ये देखिए एक्चुअली में ये कैसे रहा होगा, देखिए ऐसे नहीं रहा होगा, ये ऐसे रहा होगा, ऐसे रहा होगा, और ये पॉइंट जो है वो यहाँ रहा होगा, ये जो पॉइंट है वो यहाँ रहा होगा, ये वाला जो पॉइंट एक्चुअली में यहाँ होगा। और आप बताइए अगर मैं बात करूं, ये पॉइंट अगर यहाँ रहा होगा तो देखिए वो क्या रहा है, ये चीज ऐसे रही होगी, तो ये जो मैंने ऐसे मिलाया, ऐसे ऊपर मिलाया, तो ये 90 एंगल बनाएगा, ये दिख रहा है, ये होगा, ये होगी एक्चुअली में, ये जो लाइन ऐसी है ऐसी होगी। तो ये ध्यान देना है आपको, सोचिए आप अपने दिमाग से खुद सोचिए कि ये कैसे 90 है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया कि 90, वैसे यहाँ पर भी ये एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का होगा, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए हम क्या निकालना चाह रहे हैं, मैं निकालना चाह रहा हूँ PA, क्या निकालना चाह रहा हूँ PA। तो आप ये बताइए मुझे, अगर मुझे PA निकालना है, अगर मुझे PA निकालना है, तो सबसे पहले तो ये देखिए कि ये जो A है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो देखिए ये मैं केवल X में चला हूँ तो X में तो आएगा कुछ ना कुछ, Y में कुछ भी नहीं चला मैं तो Y 0, Z में कुछ नहीं चला तो Z 0। अब आप बताइए,
जब मैं इन दोनों का निकालूंगा सॉल्व करूंगा तो देखिए x माइनस एक्स जीरो हो गया है ना भाई। अगर मैं अच्छा ये मैं कैसे फाइंड कर रहा हूँ, ये मैं एक तरह से डिस्टेंस फॉर्मूले से फाइंड कर रहा हूँ है। ये मैं कैसे फाइंड कर रहा हूँ, देखिए क्या लिखा हुआ, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम कोऑर्डिनेट एक्सिस। अच्छा ओके, मैं यहाँ पे पॉइंट से नहीं एक्सिस से दूरी देख रहा हूँ, इस पॉइंट पी की इस एक्सिस से दूरी कितनी होगी, इसकी बात हो रही। तो आप बताइए यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए एक्स जेड जेड, अच्छा यहाँ थोड़ा गड़बड़ है, देखिए यहाँ पे थोड़ा पॉइंट्स गड़बड़ हो गए हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो देखिए होगा क्या, जैसे मैंने आपको बताया अगर मैं इन दोनों के बीच की दूरी निकाल रहा हूँ, इन दोनों पॉइंट की, तो देखिए क्या होगा, एक्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर तो जीरो का होल स्क्वायर, वाई माइनस जीरो का स्क्वायर वाई का स्क्वायर, जेड माइनस जीरो का स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो ये जो आया पॉइंट इसमें एक्स माइनस एक्स एक पार्ट जीरो हो गया, मतलब ये हुआ अगर आपको एक्स से दूरी बतानी है एक्स एक्सिस से तो उसमें एक्स कोऑर्डिनेट को आप जीरो दिखा दीजिए, अगर वाई एक्सिस से दिखानी है, देखिए पी भी पूछ रहा है, पी वी में देखिए वाई में तो हम चले वाई है ना, वाई डायरेक्शन में हम वाई चले, लेकिन एक्स में हम और जेड में कुछ भी नहीं चले, तो जीरो जीरो ले लिया मैंने, तो यहाँ पे वाई देखिए जीरो हो जाएगा क्योंकि वाई वाई माइनस हो जाएगा, वैसे ही पीसी में जेड माइनस हो जाएगा, पीसी में जेड माइनस हो जाएगा, तो इस तरीके से ये आएगा। अच्छा पीसी के अगर मैं कोऑर्डिनेट्स निकालूँ तो कैसे निकालूंगा, कितने आएंगे, ये कितना आएगा, एक्स तो जीरो होगा, वाई भी जीरो होगा, जेड यहाँ पे जेड हो जाएगा, इस तरीके से ये आ जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी प्रॉपर। चलिए बात करते हैं इसके आगे, चलिए बात करते हैं आगे। ठीक है ये पॉइंट तो क्लियर हो गया होगा, अब इसके आगे बढ़ते हैं।
चलिए बात करते हैं आगे। देखिए, जैसे मैंने आपको 2D में सेक्शन फार्मूला के बारे में बताया था जब लाइन पढ़ाई थी, वैसे ही 3D में भी सेक्शन फार्मूला होता है। ठीक है, सेक्शन फार्मूला, जैसे मान लीजिए सेक्शन फार्मूला अगर मैं 2D की बात करूं, 2D में, 2D में क्या होता है, जैसे दो पॉइंट है x1 y1 x2 y2, कोई पॉइंट P है, ये A है और ये B है, P पॉइंट है, इसको m:n में क्या कर रहा है, एक तरह से डिवाइड कर रहा है। तो इसका जो P कोऑर्डिनेट है ये कैसे लिखा जाएगा, अगर P कोऑर्डिनेट x और y है तो x और y की कोऑर्डिनेट कैसे लिखे जाते हैं ये देखिए। x1 n है ना, n x1 प्लस m x2 अपॉन m प्लस n, इस तरीके से आएगा। x y कितना आएगा, n y1 प्लस m y2 ठीक है, ये इस तरह से हो गया। वैसे ही सेम इसमें भी होगा, यहां पे तो x1 y1 और z1 होगा, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट A है, इसके पॉइंट x y और z होंगे, और यहां पे होगा x2 y2 और z2 ठीक है, दो पॉइंट है तो x2 y2 z2 हो जाएगा, क्योंकि 3D में है ना ये पॉइंट्स भाई, ये जो पॉइंट्स हैं ये हवा में होंगे, देखिए 3D में होंगे ऐसे, तो सीधी सी बात है उसमें जो डायरेक्शंस होंगी वो x y z होंगी, केवल x y नहीं होगा। तो अगर तीन तीन डायरेक्शंस होंगी तो सीधी सी बात है कि इसमें देखिए तरीका इसमें भी यही होगा लिखने का, x y और z के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उनको लिखने का जो तरीका है वो वही रहेगा। ठीक, चलिए देखते हैं, x1 y ऐसे देखिए, ये m:n में डिवाइड कर रहा है, तो पहले आप लिखेंगे mx1 है ना, उसके बाद क्या लिखेंगे mx1 हो गया प्लस mx2 अपॉन m प्लस n, दूसरा ny1 प्लस my2 अपॉन m प्लस n, फिर उसके बाद nz1 प्लस mz2 अपॉन m प्लस n, इस तरीके से इसको लिखा जाएगा। अच्छा, मिड पॉइंट की बात कर लेते हैं, अगर यहाँ पे मिड पॉइंट लिखा जाता है तो कैसे लिखा जाता है, याद है ये 1:1 में डिवाइड करेगा अगर मिड पॉइंट होगा तो, वैसे ये भी अगर मिड पॉइंट होगा तो 1:1 में डिवाइड करेगा है ना, 1:1 में डिवाइड करेगा, तो फिर कैसे लिखा जाएगा देखिए। ठीक है, तो फिर आप देखिए इसको कैसे लिखेंगे, एक मिनट देखिए,
ठीक है ना। तो मैंने आपको ये पॉइंट बताया कि यहाँ पे वन वन एम और एन के लिए वन वन आएगा, तो ये जाएगा एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू, और ये जाएगा वाई वन प्लस वाई टू बाई टू। वैसे यहाँ पे हो जाएगा देखिए कितना, ये वन वन हो जाएगा एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू, वाई वन प्लस वाई टू बाई टू, जेड वन प्लस जेड टू बाई टू, ठीक है। इस तरीके से हम इसको निकालेंगे। तो आई थिंक ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं इसके आगे। चलिए, तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। सेक्शन फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से करना है। अब बात करता हूं मैं सेंट्रोइड। सेंट्रोइड देखिए, कोई ट्रायंगल है एबीसी, इसके तीन कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वन वाई वन और जेड वन, इसके भी हैं एक्स टू वाई टू जेड टू, एक्स थ्री वाई थ्री और जेड थ्री। इस तरीके से हो गया। उसके बाद सेंट्रोइड का मतलब होता है यहाँ से एक माध्यिका ड्रॉ की जाती है जो कि इसके मिड पॉइंट पर होती है ना, ये वन वन रेशियो में डिवाइड करता है। वैसे यहाँ से भी एक माध्यिका ड्रॉ की जाएगी, इसको बाइसेक्ट करेगा, और यहाँ से भी एक माध्यिका ड्रॉ की जाएगी जो इसको बाइसेक्ट करेगा। तो देखिए, ये जो पॉइंट होता है इसे कहते हैं सेंट्रोइड, और सेंट्रोइड को लिखने का तरीका क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। सेंट्रोइड होगा, इसके कोऑर्डिनेट मान लेता हूँ सेंट्रोइड के एक्स वाई और जेड, तो इनके कोऑर्डिनेट्स x1, y1 और z1 के पॉइंट्स में आएंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई थ्री, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई थ्री, और z1 प्लस z2 प्लस z3 बाई थ्री। तो ये आ जाएंगे x, y, z, मतलब इस, अब देखिए ये जो फिगर है इसमें ये 3D फिगर है, मतलब ये 3D एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल है ये कोई प्लेन में नहीं है, ये हवा में कोई ऐसे ट्रायंगल होगा और उसके जो पॉइंट्स हैं वो हवा में होंगे, मतलब कह सकते हैं हम थ्री डी फिगर के अकॉर्डिंग होंगे, ठीक है, स्पेस में होंगे। तो इस वजह से इसमें तीन तीन पॉइंट्स आ रहे हैं डायरेक्शन की वजह से, ठीक। चलिए, तो ठीक है, चलिए इसी में एक क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ। एक क्वेश्चन कर लेते हैं।
द वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर आर -1, -1, -3 respectively. If the angle bisector of P meets QR in S, then find the coordinate of S. चलिए सभी लोग इसको नोट करें और ट्राई करने की कोशिश करें, देखिए आंसर आ पा रहा है कि नहीं आ पा रहा है। चलिए बात करते हैं इसके सोल्यूशन पे। तो आई थिंक आप लोगों ने देख लिया होगा कि ट्राई करके एक बार किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर किसी का आंसर आया तो देख लीजिए, मैच कर लीजिए क्या आया, ठीक है। सबसे पहले तो इसमें देखिए क्या लिखा है, द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, मतलब एक ट्रायंगल है, पी क्यू आर, एक ट्रायंगल पी क्यू आर जिसके वर्टिसेस क्या क्या है, 1, 2, 3, 0, 4, 1, -1, -1, 3। अब देखिए कह रहा है कि इफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ पी, इसका जो एंगल बाइसेक्टर है ये ऐसे ड्रॉ किया गया, एंगल बाइसेक्टर ऑफ पी मीट्स क्यू आर इन एस, ये पॉइंट एस आ गया, ठीक है।
ठीक है, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ एस, इसके कोऑर्डिनेट बताने हैं, इसके कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले आपको ये बताना होगा, यहाँ पे समझना होगा, देखिए एक थ्योरम होती है जिसे हम कहते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एक थ्योरम होती है जिसे हम लोग कहते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक, एक थ्योरम होती है जिसे हम कहते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ये कहलाती है कोई भी ट्रायंगल अगर है, इसमें मैंने एक एंगल बाइसेक्टर अगर ड्रॉ कर दिया तो ये जिस भी पॉइंट पे जाके मिलेगा, तो ये जो दो पार्ट में डिवाइड करता है इसको बी डी अपॉन डी सी इक्वल टू हो जाता है ए बी अपॉन ए सी, ये इसे कहते हैं हम लोग एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो इसी थ्योरम का इस्तेमाल हम यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है, इसी थ्योरम का इस्तेमाल हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये थ्योरम में है क्या और इसका इस्तेमाल हम लोग किस तरह से यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो आप ये खुद बताइए मुझे कि जो जो रेशियो ए बी और ए सी का आएगा, ये कह सकते हैं सॉरी पी क्यू और पी आर का आएगा, वही रेशियो इन दोनों पार्ट का होगा। तो मैं इन दोनों का रेशियो निकाल लेता हूं पहले, तो जरा देखिए कैसे निकालेंगे। जीरो प्लस वन, ये जो हमें निकालना है, ये क्या निकालना है हमें, इसकी डिस्टेंस निकालनी है, हाँ लेंथ निकालनी है। तो जरा बताइए लेंथ कैसे निकालते हैं, वन माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस टू माइनस फोर का स्क्वायर प्लस थ्री माइनस वन का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो चलिए बताइए ये क्या देगा, वन स्क्वायर वन, यहाँ कितना आ रहा है नौ, दो का स्क्वायर चार, चार और एक पाँच, चार नौ, यहाँ से देखिए चार आएगा, मतलब नौ मतलब तीन आ गया। यहाँ देखिए वन माइनस वन मतलब वन प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस टू माइनस मतलब प्लस का वन स्क्वायर, थ्री माइनस मतलब प्लस का थ्री का स्क्वायर, इसका अंडर रूट, इसका अंडर रूट। तो देखिए ये कितना आएगा, वन प्लस वन टू, फोर, दो एक तीन, तीन का स्क्वायर नौ, और ये कितना छः का स्क्वायर छत्तीस। तो नौ चार तेरह, तेरह और छत्तीस कितना हो जाएगा, तेरह और छत्तीस कितना हो जाएगा, फोर्टी नाइन का अंडर रूट, तो आ गया सात। तो देखिए ये आ गया सात, ये आ गया तीन। तो अगर इनका रेशियो तीन सात का है तो इनका रेशियो भी थ्री और सेवन का हो जाएगा, इसका भी रेशियो थ्री और सेवन का हो जाएगा। अब आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं इसको, अगर इन दोनों का रेशियो थ्री टू सेवन आ गया है तो बस लगा दीजिए भाई एम एन वाला फॉर्मूला, एम ये एम है ये एन है, और मैंने जो अभी आपको दिखाया है ना, जो फॉर्मूला बताया उसी से अप्लाई हो जाएगा। तो अगर मैं इसका आंसर आपको बता दूं तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं, आंसर मैं इसका बता देता हूं, देखिए कटने के बाद देखिए क्या आएगा, पाँच से पाँच बार, पाँच से दो बार, है ना, दो से पाँच बार। तो फाइनली अगर देखा जाए ये आएगा माइनस थ्री बाई टेन, फाइव बाई टू और माइनस वन बाई फाइव, ये इस तरीके से निकल के आएगा, ठीक है। तो ये देखिए आराम से हमने सॉल्व कर लिया, इसी तरीके से ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप आराम से देख लीजिए और बस वही आपको सेक्शन फॉर्मूला लगाना है, वही सॉल्व हो जाएगा। अप्लाई करना मैंने आपको सिखाई दिया है कैसे अप्लाई करते हैं, आप इसमें यूज कर लीजिए, आंसर आ जाएगा।
तो चलिए ठीक है, ये समझ में आ गया होगा, इसके आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्या लिखा है, इफ ए एंड बी आर फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम 3, 7, 4, ए एंड बी ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है। तो कह रहा है कि आर फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम 3, 7, 4 ऑन द एक्स वाई प्लेन एंड वाई जेड प्लेन, एक्स वाई प्लेन एंड वाई जेड प्लेन रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। हमें ए बी निकालना है, ये वाली लेंथ हमें बतानी है, ये वाली लेंथ कितनी आएगी। चलिए सभी को बताइए, कोशिश करिए सॉल्व करने की। ठीक है, तो सोच के देखिए कैसे करेंगे आप। इस तरह से देखिए कि मुझे अगर ए बी निकालना है तो जब तक मुझे ए और बी के कोऑर्डिनेट नहीं मिलेंगे तब तक मैं इसकी वैल्यू नहीं निकाल पाऊंगा। अब आपको सोचिए कि अगर मैं यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट निकालना चाहता हूँ, तो देखिए मैं यहाँ पहले इधर गया फिर इधर गया, मतलब एक्स में चला फिर वाई में चला, लेकिन मैं जेड में नहीं चला, तो जेड वाला कोऑर्डिनेट जो होगा वो जीरो हो जाएगा, तो ये जाएगा 3, 7, 0। यहाँ देखिए क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए मैं यहाँ पर हूँ, है ना, यहाँ पर, तो
तो यहाँ पे आने के लिए मैंने क्या किया, देखिए कौन सा कोऑर्डिनेट जो होगा वो हमारा जीरो होगा, यहाँ पे कौन सा कोऑर्डिनेट जीरो होगा, देखिए इस पॉइंट पे कौन सा कोऑर्डिनेट जीरो करें, बस इतना सोचना है। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो आप ये बताइए मुझे कि अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो देखिए, अगर मैं देखूँ आप यहाँ पे बताइए, आप देखिए ये मैं चला यहाँ पे है ना, तो मैं यहाँ पे कैसे चला देखिए, अच्छा यहाँ पे आप बताइए कि y जीरो होगा क्या, नहीं x जीरो होगा, यहाँ पे क्या होगा x जीरो होगा, क्योंकि मैं केवल किस पे चला y पे चला है ना, मैं किस पे चला y चला फिर z चला x नहीं चला, तो आप बताइए क्या हो जाएगा, जीरो कॉमा सेवन कॉमा फोर। तो बस अब आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। आप इसमें क्या अप्लाई करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, आंसर आ जाएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो कैसे आंसर आएगा जो बताइए, डिस्टेंस फॉर्मूला तो मैं बता चुका हूँ ना कैसे निकालते हैं, जीरो कॉमा थ्री जीरो माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस सेवन माइनस सेवन का होल स्क्वायर प्लस ये क्या था फोर फोर माइनस जीरो का होल स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये तो आएगा नौ, ये जीरो, ये कितना चार, चार का स्क्वायर सोलह, तो बताइए नौ और सोलह कितना पच्चीस, पच्चीस का अंदर हुआ पाँच, ठीक। तो इस तरीके से आंसर आ गया। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, अगली क्लास में मिलेंगे। अभी तो 3D ज्योमेट्री बहुत लंबी चलेगी है ना, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है इसमें, तो बेसिक्स को हमने दो क्लासेस में कवर किया, काफ़ी हद तक हम लोगों ने जो भी छोटी छोटी बातें थी वो कवर कर ली हैं। अगली क्लास में कुछ और बातें देखेंगे इसकी, और कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ और कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय, थैंक यू।